टेस्ट क्रिकेट अभी भी क्रिकेट का सबसे एलीट फॉर्मेट है। इसे खेलना या इसे देखना भी अपने आप में एक सुकून ही है। उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा के पास एक बेहतरीन मौका आया कि वो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा ले। वो इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच 9 सितंबर से शुरू होने वाला इकलौता टेस्ट मैच ग्रेटर नोएडा के ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में होना था। टेस्ट मैच आयोजित करने वाला ये दुनिया का 124वां वेन्यू होने वाला था, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया क्योंकि दूसरे दिन तक तो मैच शुरू ही नहीं हो पाया और मैच तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर टॉस भी नहीं हो पाया। पूरा मसला हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीम मैच से कुछ दिन पहले यहाँ पहुँच गई थी और सारी तैयारियाँ भी बढ़िया चल रही थी, लेकिन मैच से एक दो दिन पहले नोएडा में बारिश हो गई और यहाँ ही सारा का सारा काम खराब हो गया। जिस स्टेडियम में ये मैच होना था अभी वो इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है और ना ही वहाँ पर हज़ारों दर्शकों के लिए कोई व्यवस्था है। ऐसे में बारिश आई तो पिच तो बची रही लेकिन ग्राउंड की हालत ख़राब हो गई। हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैच के शुरुआती दो दिन तो बारिश नहीं आई, फिर भी टॉस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैदान गीला रहा। मैदान को सुखाने के लिए मशीन लाई गई, पंखे चलाए गए और इतना ही नहीं, गीली घास को काट कर वहाँ पर नई घास डाली गई और फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि आखिर BCCI को अगर मालूम था कि इस तरह की व्यवस्था इस ग्राउंड में हो सकती है तो फिर यहाँ पर क्यों मैच का आयोजन किया गया, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं बल्कि चार बोर्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड तो यहाँ पर है ही क्योंकि उनकी सीरीज़ है, ICC इसको ओवरसी कर रहा है और इसमें BCCI भी आता है क्योंकि उसके ही मैदान पर सारा खेल हो रहा है। मैदान तो बहुत दूर की चीज़ है, इस ग्राउंड के जो हालात हैं वो और भी बुरे नज़र आते हैं। जो मीडिया वाले इस मैच को कवर कर रहे हैं उनके लिए खाना या पानी की व्यवस्था भी नहीं है। क्रिक इन्फो से जुड़े दया सागर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पत्रकारों के लिए खाने की व्यवस्था अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की ओर से की गई, यहाँ फैंस के लिए एंट्री फी रखी गई है लेकिन लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि इस ग्राउंड को आखिर चुना क्यों गया, और ये सवाल सिर्फ हम नहीं बल्कि अफगानिस्तान टीम भी पूछ रही है। एक अफगानिस्तान टीम के अधिकारी के मुताबिक वो चाहते थे कि देहरादून, कानपुर या लखनऊ उन्हें होम ग्राउंड के तौर पर मिले, लेकिन लखनऊ और देहरादून में अभी T20 लीग चल रही है और जबकि कानपुर को भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच के लिए तैयार किया जा रहा है और इस वजह से उन्हें ग्रेटर नोएडा ही मिल पाया। हालांकि अफगानिस्तान के अधिकारी ने यह भी कहा कि वो कोशिश करेंगे कि भविष्य में ग्रेटर नोएडा में मैच ना खेलें क्योंकि यहाँ की व्यवस्था खराब है। सीधी सी बात है कि आखिर इसका जवाब कौन देगा, क्योंकि अफगानिस्तान का किसी दूसरे देश में बतौर होस्ट खेलना एक मजबूरी है। ये BCCI और ICC को सोचना होगा कि आखिर उन्हें किस तरह की व्यवस्था दी जा रही है, क्योंकि अफगानिस्तान का टेस्ट खेलना ही अपने आप में एक बड़ी बात है, ऊपर से अगर उनके साथ ऐसा होगा तो ये काफ़ी बुरा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।